अष्टमी बहुत सुंदर दिवस है, बहुत बहुत बधाइयां महाराज। शंकर के एक एक भाव को हमें समझना है, एक एक भाव को, शिव के एक एक संबोधन को। जैसे आपको कथा में कहा था कि शंकर भगवान के चक्र का नाम क्या है, जम के बोलो भवरेंदु, जम के बोलो। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा करती है। अगर कोई विद्वत ब्राह्मण ने आपको बताया है कि आपके घर में पितृ दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके घर में काल सर्प दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके यहाँ पर ये वास्तु दोष है और इस दोष को मिटाना जरूर, कोई ने आपको बता दिया, उस समय पर हमें घबराना नहीं। उस समय पर ये भवरेंदु बहुत काम किया, भगवान शंकर पर चक्र चाहिए, तीन चीजें शंकर भगवान के पास। उस समय में घबराने का क्रम नहीं है, तीन चीजें, एक पाशुपत अस्त्र। कहते हैं पीपल का जो जल झड़ता है पीपल के वृक्ष से, आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा, वो आपको नहीं मालूम। वो भी आपको हमने बीच में वर्णन कर दिया था कि भगवान हनुमान जी महाराज का प्रागट्य, कितना भी अगर कोई वास्तु दोष बता दिया, पितृ दोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे तो पीपल का जो जल वृक्ष में से झड़ता है, कभी कभी आप उसके नीचे हाथ रखकर देखना, थाली रखकर देखना, पत्थर पर देखना, तो वहां पर भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे। वो भवरेंदु चक्कर, उसका स्मरण आपको लग रहा है, डॉक्टर कह रहा है किडनी बेकार हो गई, लीवर बेकार हो गया, मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की एक बिंदी, एक मात्र बिंदी। और शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, जलाधारी है, चरण है, गणेश कार्तिक के का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है, और प्रत्येक जलाधारी में से पानी बीच में से आकर नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर। आप गणेश जी और कार्तिक के, आप लोगों के स्मरण में हमने पहले भी बताया कि राइट में किसका स्थान है, गणेश जी का, लेफ्ट में कार्तिक के, बीच में अशोक सुंदरी, ये क्या है, पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग, और ऊपर से जो जल एक एक बूंद शंकर जी के शिवलिंग पर गिर रहा है, वो शंकर जी की पांच लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीबारी, गौतली और देव, शंकर जी की पांच लड़कियों में एक एक बूंद पानी शिव जी पर गिरा है, समर्पित हो जाए उसी जल को झेल कर। जहाँ जल नीचे गिरता है उस स्थान से जहाँ तक जल बहकर जा रहा है उस स्थान तक 33 कोटि देवताओं का नजर आएगा, ये पक्का। 33 कोटि देवताओं का, अब आनंद जहाँ